इससे पहले वाला क्लास में हम लोग इतना देख चुके हैं कि हार्ट का कितना चैम्बर होता है, चार चैम्बर होता है। इतना तो पता था कि यहाँ से ब्लड आता है, वो कौन सा कैसा ब्लड होता है, प्योर या इम्प्योर? प्योर। इम्प्योर होता है ना, अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। जो दायालिंद किसको दे देता है, दाया निलय को, ठीक है। फिर दाया निलय क्या करता है, फेफड़ा को दे देता है। दाया निलय किसको दे देता है, फेफड़ा को, ठीक है। फेफड़ा उसमें क्या करता है, ऑक्सीजन मिला के, है ना, ऑक्सीजन मिला के फिर किसको दे देता है, बाया अलिंद को, ठीक है। बाया अलिंद क्या करता है, उसको बाया निलय को दे देता है, ठीक है। बाया निलय फिर वो जो ब्लड है, शुद्ध ब्लड, उसको क्या करता है, पूरे शरीर को दे देता है, ठीक है। लेकिन अभी हम, अब उसमें ये पूरा डायग्राम नहीं था, है ना। अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि हार्ट का जो बनाना है ना, हार्ट का फिगर बनाते कैसे है, हाँ, उसके साथ साथ कि इसमें कौन सा वाल्व कहाँ पे होता है, और एक्चुअली में देखेंगे कि कैसे ब्लड कहाँ से जाता है और कहाँ पे कौन सा वाल्व लगा हुआ होता है, ठीक है। तो वो तो ऐसे ही था, है ना, इसमें पूरा एग्जैक्ट पता चलेगा, ठीक है। जैसे उसमें ये बता दिए थे कि यहाँ से लंग्स में जाता है, फिर बताया था कि लंग्स यहाँ से दे देता है, तो थोड़ा उठपटांग लगा होगा कि लंग्स यहाँ भेज रहा है कि यहाँ भेज रहा है ना। लेकिन इसमें पूरा अच्छे से ध्यान से देखना है इस चीज को, ठीक है। अब बोले थे कि पूरे शरीर से, है ना, सबसे पहला क्लास जो था पार्ट वन, उसमें ये बताया था कि पूरे शरीर से जो ब्लड है ना, अशुद्ध ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, उसको कौन लेके जाता है, तो सीरा। कौन लेके जाता है, सीरा लेके जाता है। सीरा में भी कौन, तो पहले था छोटी सीरा, है ना, उसके बाद सीरा और फिर महाशीरा, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सब का तो पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ महाशीरा को दर्शा दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बॉडी से कौन लेके जा रहा है, महाशीरा, है ना। महाशीरा में भी तीन प्रकार का ही है, बता ही दिए, ठीक है। तो ये क्या है, महाशीरा, इसको इंग्लिश में वेना कावा बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, वेना कावा रक्त को लेके जाता है यहाँ, ठीक है। ये ऊपर वाला यहाँ से, ये जो इधर यहाँ से एक ऐसे लाइन दिख रहा है, एक ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है ना, इधर भी यहाँ से ऐसे। तो इसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसको अलिंद बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट है उसको नीलय बोलते हैं, ठीक है। इधर दायां इधर बायां है, तो बताए हैं पहले, ये पार्ट पूरा बता दिए, ठीक है। तो ये जो महाशिरा है, ये यहाँ से ब्लड लेके जाता है ऐसे, है ना, यहाँ से एंटर करता है। यहाँ से एंटर करने के बाद देख किसको देता है, तो दाया अलिंद को दे देता है। किसको दे देता है, दाया अलिंद को दे देता है। दाया अलिंद से क्या करता है, यहाँ से देखो, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है जो नीचे की तरफ खुल रहा है, ये तो एरो है बना हुआ, ठीक है ना, जो दिख रहा है कि यहाँ से ब्लड को नीचे लेके आएगा यहाँ से। लेकिन एक देखो, एक वाल्व ऐसे है, ऐसे ये वाल्व दिख रहा है, मतलब ये वाल्व कैसा है कि ऊपर से अगर ब्लड नीचे आएगा तो ये आने तो देगा, लेकिन नीचे से जैसे ही जाना चाहेगा ना, तो ये दोनों बंद हो जाएगा ऊपर, ठीक है, ये बंद हो जाता है। तो ये वाल्व यही करता है कि ब्लड ऊपर से नीचे आने देता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने नहीं देता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात आती है कि ये जो वाल्व है, ठीक है ना, ये वाल्व इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकॉस्पिड वाल्व। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना। अब है कि ये जो ब्लड को यहाँ लेके आया, ठीक है, अभी ब्लड जब ऊपर जाना चाहता है तो ही नहीं जाने दे रहा, बंद हो जा रहा है ना। ये वाल्व क्या कर रहा है कि ऊपर से रक्त को नीचे आने दे रहा है, ब्लड को नीचे आने दे रहा है, लेकिन नीचे से जैसे ही ऊपर जाना चाहता है क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे कल एग्जाम्पल भी दिए थे हैंडपम्प का, उसमें भी सेम ऐसा ही होता है। तो इससे कोई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बात है कि जब ये नीचे आ रहा है और ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है ना, तो ये जाएगा कहाँ, तो ये यहाँ से जाता है फिर ऐसे फेफड़ा में। कहाँ जाता है, फेफड़ा में, ठीक है। अब यहाँ से जाएगा तो इसका जो दीवाल है, इसका जो वाल्व है, ये ऊपर की तरफ खुल रहा है। इसका नीचे की तरफ था, इसका ऊपर की तरफ है। ये दिख रहा है ऐसे डायरेक्शन ऊपर का, यानी कि यहाँ से ब्लड ऊपर जा सकता है। अब ऊपर तो जा रहा है, अगर ये नीचे आना चाहे तब क्या होगा, तो ये जब नीचे आना चाहेगा तो फिर ये बंद हो जाएगा। अरे समझ में, यानी कि ये जाने तो देगा लेकिन नीचे आने नहीं देता है, ठीक है। तो ये जो ये ब्लड है ऊपर से आया नीचे, है ना, अब ऊपर जाना चाहता है तो ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये जब बंद हो जा रहा है तो जाएगा किसमें, इसमें चला आता है, फेफड़ा में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो पाइप है ना, ये जो वेन्स है, ये जो नस है, इसको क्या बोलते हैं, तो फुसफुस धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फुसफुस धमनी बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये जो फेफड़ा के पास जा रहा है, तो फेफड़ा के पास जा रहा है, तो इसमें ये जो रक्त है ये कैसा होगा, इसमें ऑक्सीजन होगा,
नहीं होगा, अभी इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें लिखते हैं कि CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ये जो ब्लड है कहाँ आ गया, लंग्स में, फेफड़ा में आ गया, कहाँ आ गया, फेफड़ा में। अब फेफड़ा क्या करता है, CO2 को लॉस करता है और ऑक्सीजन इसमें मिक्स करता है, ठीक है। अरे हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस को छोड़ते हैं, फिर सांस लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, इसका मतलब क्या कि CO2 जो आया उसको खत्म किए, है ना। फेफड़ा क्या करता है, CO2 को हटाता है और ऑक्सीजन को मिक्स कर देता है। तो अब जो ये ब्लड हो गया, फेफड़ा जो ये ब्लड को दे रहा है, इसमें क्या हो गया, ब्लड, ये जो ब्लड है इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन मिल गया। अब ऑक्सीजन मिल गया तो ये ब्लड क्या हो गया, शुद्ध हो गया, ठीक है। तो ये जो जिस नस से आता है, जिस वेन से आता है, इसका इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। इसको क्या बोले थे, पल्मोनरी आर्टरी, इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। यानी कि इसको फुसफुस सीरा बोलते हैं, इसको फुसफुस धमनी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो आ रहा है यहाँ से फेफड़ा से, लंग से, ठीक है, ये एंटर कहाँ करेगा, तो बाया अलिंद में, किसमें करेगा, बाया अलिंद में करेगा, बाया अलिंद में ये आ गया, ठीक है। बाया अलिंद का भी सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें भी नीचे तो आ रहा है, नीचे आने का रास्ता यहाँ पे है। बाया अलिंद से कहाँ भेज देगा, सीधा बाया निलय में, कहाँ भेजेगा, बाया निलय में, नीचे भेज देता है बाया निलय में, ठीक है। इसमें भी क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ है, ये जो वाल्व है ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी कि नीचे आने देगा लेकिन नीचे से ऊपर जाने नहीं देता है, ठीक है, ये बंद हो जाता है। तो इस वाल्व को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बाइकॉस्पिड वाल्व, क्या बोलते हैं, बाइकॉस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व, ठीक है। इसका एक और नाम भी है मिट्रल वाल्व। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो ब्लड है जब ऊपर जाने नहीं देगा, तो ये फिर ब्लड कहाँ जाएगा, तो ये ब्लड जाता है यहाँ, दिख रहा है ये यहाँ पे, तो इसका वाल्व कहाँ है, तो ऊपर की तरफ है, यानी कि ये भी ब्लड को ऊपर जाने देगा लेकिन नीचे आने नहीं देगा। तो ये जो बाया निलय है ये क्या करता है, ब्लड को पंप कर देता है किसमें, तो एरोटल में, किसमें, एरोटल में, यानी कि महाधमनी में, किसमें भेज देता है, महाधमनी में भेज देता है, ठीक है। तो ये महाधमनी के ऊपर जो यहाँ महाधमनी में जो ये वाल्व लगा हुआ है, यानी कि ये जो ब्लड को नीचे आने नहीं देता है, इसको क्या बोलते हैं, तो एरोटिक वाल्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एरोटिक वाल्व, ठीक है। मतलब कि एक एक है जो किसके पास भेज रहा है, पूरे शरीर के पास भेज रहा है, महाधमनी के पास भेज रहा है, इसमें जो वाल्व लगा हुआ है इसको बोलते हैं एरोटिक वाल्व, ठीक है। और एक जो है जो लंग्स के पास भेज रहा है ब्लड को, ठीक है, यहाँ पर जो वाल्व लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, है ना, यानी कि समझ में आ गया। यहाँ से ब्लड कहाँ आता है, एंटर करता है दाया अलिंद में, ठीक है। दाया अलिंद क्या करता है, दाया निलय के पास भेज देता है। दाया निलय क्या करता है, फेफड़ा को भेज देता है। फेफड़ा क्या करता है, उसमें ऑक्सीजन मिला के उसको फिर से बाया अलिंद में भेज देता है। बाया अलिंद क्या करता है, बाया निलय को दे देता है। बाया निलय क्या करता है, फिर से पूरे महाधमनी को देके पूरे शरीर में भेज देता है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बोले कि सबसे बड़ी परत, अगर मोटी परत किसका है, तो यह है बाया निलय का, इसका बाया निलय का। इसलिए फिगर बनाते समय ही देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये पूरा इसका परत क्या है, पूरा मोटा है, ठीक है। इसी के कारण यहाँ पे ये दिख रहा है। कोई दिक्कत इसको नहीं ना है। अब अगर इसका शेप की बात करें, ठीक है, तो इसमें शेप पूरा अच्छा से नहीं बना है, लेकिन इसका जो शेप होता है ऊपर बेस होता है, इसका मेन बेस इसका कहाँ है, ऊपर है, और कोना कहाँ है, नीचे हो जाता है, ठीक है। अधिकतर में क्या होता है कि बेस नीचे होता है, वो कोना ऊपर होता है। अगर हम लोग पहाड़ वहाड़ देखे तो उसका बेस नीचे और कोन कहाँ हो जाता है, ऊपर हो जाता है, पिक कहाँ, ऊपर हो जाएगा, लेकिन इसका पिक ही नीचे है। इसका हार्ट अभी आगे जब ओरिजिनल हार्ट हम लोग देखेंगे उसमें देखेंगे पिक ही नीचे, कोना जो होता है वो नीचे है, और मेन जो समतल है वो कहाँ है, ऊपर है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, यानी कि पता चल गया ब्लड कहाँ से आता है, इम्प्योर कहाँ जाके प्योर होता है, फिर कहाँ से प्योर ब्लड जो है वो कहाँ जाके फिर शरीर में कैसे पहुंचता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है कि अगर बात करें, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्ट का लेयर कितना होता है, ठीक है, लेयर ऑफ हार्ट, यानी कि जो हार्ट है इसका परत कितना है, तो तीन परत है, ठीक है। कल चैम्बर पढ़ाए थे कि चार होता है, चार चैम्बर पढ़ाए थे, है ना। अगर पूछे कि लेयर कितना है, तो तीन है, लेयर कितना है, तीन है, ठीक है। कौन से लेयर को क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला लेयर है, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। इसमें बीच में जो मांस वाला है, ठीक है, मसल्स वाला, इसको क्या बोलते हैं, तो मायोकार्डियम,
क्या बोलते हैं मायोकार्डियम, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला यहाँ दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। इसको क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम, ठीक है। अब ये जो एक यहाँ दिख रहा है एरोटल, एक क्या दिख रहा है यहाँ एरोटल, और एक और यहाँ पे दिख रहा है क्या, तो पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये दोनों के बीच में देखो कुछ गैप है जो भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये इधर आ गया, ये इधर है, बीच में कुछ गैप भरा हुआ है, यानी कि ये गैप को भर रहा है, है ना। तो इसको एकदम सेटअप करके इसको भर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं क्या कि कार्डिक सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको? कार्डिक सेप्टम, है ना। ये बीच की जगह को भरता है इसको, तो इसको क्या बोलेंगे? कार्डिक सेप्टम, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें कुछ अपवाद भी है, ठीक है। अपवाद मतलब क्या होता है कि कुछ उल्टा काम करता है ना। अब उल्टा काम कौन करता है ये देखना है हम लोग को, ठीक है। तो उल्टा काम क्या करता है, अब जैसे हम लोग अभी तक ये पढ़ रहे हैं कि सीरा क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को लाता है शरीर से, है ना। और धमनी क्या करता है, प्योर ब्लड को हार्ट से शरीर के पास लेके जाता है। फर्स्ट क्लास में ही हम लोग पार्ट वन में ही देख लिए थे कि धमनी क्या करता है, ओटू ऑक्सीकृत ब्लड को लेके जाता है ना। और ये जो है वो इम्प्योर अशुद्ध ब्लड को लेके जाता है, ठीक है। कौन? तो सीरा, हाँ। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये धमनी है, ये क्या है? धमनी है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। फुसफुस धमनी, क्या ये? फुसफुस धमनी है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि अशुद्ध रक्त को लेके जा रहा है, जबकि धमनी सब क्या करता है, शुद्ध रक्त को लेके जाता है। लेकिन ये फुसफुस धमनी जो है ये एक अपवाद है कि क्या कर रहा है, अशुद्ध रक्त को लेके जाता है। और कहला जा रहा है तो पते है शुद्ध करने के लिए, है ना। अब यहाँ पे एक चीज और पढ़े हम लोग कि सीरा क्या करता है कि अशुद्ध ब्लड को लेके जाता है। लेकिन ये जो सीरा दिख रहा है फुसफुस सीरा, ये क्या करता है, शुद्ध ब्लड को लेके जाता है, ठीक है। मतलब अपने काम के अकॉर्डिंग ये उल्टा कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसका उसी तरह से काम बांटा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पल्मोनरी वेंस बोलते हैं, फुसफुस सीरा बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ चुका है कि धमनी क्या करता है, शुद्ध लेके जाता है, और सीरा अशुद्ध। लेकिन ये दोनों जो है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस, ये दोनों का काम उल्टा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो इसलिए अगर अपवाद पूछा जाए तो ये दोनों है, ठीक है, फुसफुस सीरा और फुसफुस धमनी। अब इसमें कोई दिक्कत अभी तक नहीं ना। तो अब हम लोग इसका ओरिजिनल फिगर देख लेते हैं जो अपने बुक में भी है, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब ये जो है हमारा अपना बुक देता है ना। बुक भी क्या कर रहा है कि यहाँ से जो है ओवेंस अशुद्ध ब्लड को कहाँ लेके आया, राइट एट्रियम में। कहाँ? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम क्या करता है, राइट वेंट्रिकल को दे देता है। किसको देता है? राइट वेंट्रिकल को। अब राइट वेंट्रिकल किसको भेज देता है, तो फेफड़ा को। किसको? लंग्स के पास भेजता है। किसके पास? लंग्स के पास। जो लंग्स है, लंग्स क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम को देता है, ठीक है। लंग्स जो है ऑक्सीजन मिला के किसको देता है, लेफ्ट एट्रियम को। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल को देता है। किसको? लेफ्ट वेंट्रिकल को। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये क्या करता है, ब्लड को पंप करके पूरे शरीर के पास भेज देता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? इसको हम लोग पहले पढ़ चुके थे, है ना। इसमें यहाँ से पूरा कन्फर्म हो गया फिगर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग बैक जाके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो पीछे छोड़ के आए हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट दिख रहा है हार्ट का, ये जो पार्ट है यहाँ पे, है ना, इसको क्या बोलते थे, दाया इसको बाया, ठीक है। तो इसको ये क्या है, दाया अलिंद है। क्या है? दाया अलिंद है, यानी कि राइट एट्रिकल, है ना, दाया अलिंद। क्या है ये? दाया अलिंद, ठीक है। अब हमारा हार्ट जो होता है ना, ये जो हार्ट होता है इसको चलने के लिए कुछ तो करंट की जरूरत होती है, ठीक है। ये इसको धड़कने के लिए, काम करने के लिए कुछ करंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा होता है SA नोड। क्या लगा होता है? SA नोड, या इसी को बोलते हैं साइनो एट्रियम नोड। क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म है साइनो एट्रियम नोड, ठीक है। ये कहाँ लगा हुआ होता है? तो दाया अलिंद में लगा हुआ होता है। दाया अलिंद के पास यहाँ पे लगा हुआ होता है क्या चीज, साइनो एट्रियम नोड, ठीक है। ये क्या करता है? तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिक जनरेट करता है, एक करंट जनरेट करता है जिससे हमारा हार्ट काम करता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, यही फेल हो जाता है ना, यानी कि ये खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, साइनो एट्रियम नोड, SA नोड, ठीक है। तो इसके जगह पे एक आर्टिफिशियल लगाया जाता है, एक आर्टिफिशियल साइनो नोड, साइनो एट्रियम नोड लगाया जाता है। SA नोड आर्टिफिशियल होता है, ठीक है, लगाया जाता है,
जिसका नाम क्या होता है तो पेसमेकर, क्या नाम होता है उसका? पेसमेकर। वो भी क्या करता है तो उसी तरह से करंट देता है, जैसे ये ऐसे नोट करंट को जनरेट करता है, उसी तरह से क्या करता है वो भी पेसमेकर भी करंट को ही जनरेट करता है, जिससे हमारा हार्ट धड़कता है, काम करता है। कोई दिक्कत? अब पेसमेकर समझ में आ जाएगा। पेसमेकर कहाँ लगा हुआ होता है? तो दाया अलिंद में। कहाँ पे? दाया अलिंद में। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, यही एक पॉइंट था पेसमेकर का।